हंगामे और विवादों का गढ़ सीएमडी महाविद्यालय में एक बार फिर शनिवार को खूब हंगामा हुआ। बीती रात किसी असामाजिक तत्व ने यहां छात्र संघ कार्यालय को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। दूसरे दिन प्रशासनिक अधिकारियों के आतिथ्य में छात्रों ने प्रबंधन की शिकायत करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर रैली की शक्ल में छात्रों ने तारबार थाने में मामले का FIR दर्ज कराया। इस दौरान कॉलेज परिसर में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। इधर छात्र संघ कार्यालय में इस तरह की आगजनी की यह दूसरी घटना बताई जा रही है। इसमें स्टूडेंट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे उसको जलाने की, उनको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी और वो सफल भी हुए हैं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन जल गए हैं, DCCC और बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन वहाँ जला दिए गए हैं। जागरूकता सभा में पहुंचे कलेक्टर, SP, SDM, तहसीलदार को रोककर कॉलेज प्रबंधन की शिकायत करते हुए छात्रों ने असामाजिक तत्वों की बढ़ते हरकतों की जानकारी दी। कॉलेज में CCTV और बाउंड्री वॉल निर्माण को तत्काल आश्वासन दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने रैली की शक्ल में थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, CT News, बिलासपुर।